नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच उपजा तनाव हर रोज खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। जिस तरह से दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं, उसे तो एकदम जंग जैसे हालात बन गए हैं। इस जंग को रोकने के लिए दुनिया भर के देश कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खासा प्रभाव नहीं दिख रहा। इसराइल लगातार हमास के अड्डों को तबाह कर रहा है, तो हमास के आतंकियों की ओर से भी हवाई हमले जारी है। इसी बीच इसराइल ने आज गाजा पर किए हवाई हमले में एक 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया। इसराइल के हमले में काहिल नाम की इमारत खाक में मिल गई। इस इमारत में लाइब्रेरी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी से जुड़े एजुकेशनल सेंटर थे। हालांकि रात भर चले हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। दूसरी तरफ इसराइल ने यह दावा किया है कि उसने मंगलवार को जॉर्डन से सटी सीमा के पास एक यूएवी को गिराया है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया ये यूएवी किस देश का था। इससे पहले इसराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में गाजा सिटी की उस बहुमंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया था, जहां अल जजीरा समेत कई मीडिया संस्थानों के ऑफिस थे। बता दें कि इसराइल और गाजा के बीते 10 मई से ही हवाई हमले जारी हैं। इसराइल पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों को जुटने से रोकने के लिए 12 अप्रैल को बैरिकेड्स लगा दिए थे। रमजान के महीनों में फिलिस्तीनी मुस्लिम यहां बड़ी संख्या में जुटते हैं। कुछ दिनों बाद ही इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की संख्या सीमित कर दी। वहीं हजारों की संख्या में आए फिलिस्तीनियों को वापस भेज दिया गया। इसके बाद से इसराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया। इजरायली सेना ने मंगलवार को बताया कि उसने अब तक हमास के 65 ठिकानों पर 100 से ज्यादा हथियार दागे हैं। इनमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने अभी तक अभियान में 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल किए हैं। फिलिस्तीन की ओर से 90 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 20 गाजा में ही गिर गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते हफ्ते हुए हवाई हमलों में 212 फिलिस्तीनियों की जान गई है। इसमें 61 बच्चे और 36 महिलाएं शामिल हैं। वही हमलों में 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल में 10 लोगों की जान गई है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।